कौन अकबर कौन कौन बाल लिखा था उसके अकबर हाँ अकबर कौन होता इसका रिश्ते में हाँ कौन होता बच्ची का रिश्ते में वो बच्ची का क्या नाम है अशफिया का कौन होता वो रिश्ते में कौन होता चल दे हाँ कौन होता वो कौन कौन है वो अशफिया का पानी पिलाओ उसके पेट में से भी आग लगाओ वो गिलास उठाओ आगे लो फिर वो गिलास में दम करा के घट करके घुटने में पिलाओ वो उसमें पानी कैमरा घट बोल के निकलाओ उसको एक मिनट में बात मत करो मुंह पे कपड़ा चल बोल रहे और मारने लगूं जलाओ 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 उसके पेट में से भी आग लगाओ हाँ जगड़ लो उसके पेट कौन कौन बाल लेगा उसके बच्ची का कौन होता रिश्ते में चाचा कैसा होता चाचा माँ का रिश्तेदार है बोला ना तूने कमीने फिर कैसा होता उसका मामा किसका मामा किसका 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 मामा झगड़ो उसके पैसे झगड़ो कौन लगा बच्ची की माँ का क्या बच्ची की माँ का मामा है वो क्या नाम है क्या क्या कौन बच्ची का मामा बच्ची का मामा है बच्ची की माँ का मामा है बच्ची का मामा सही बोल बच्ची का मामा नाम अरे हाँ अरे और अकबर कौन है अकबर कौन है अकबर अली क्यों करेगा जादू झूठ बोल रहा नहीं सही बोल रहा भाई उसका मामा क्यों करेगा उस पर जादू मामा करेगा बाल कौन लग गए थे अकबर और जादू कौन चला पैसे दे के अली ने कौन 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 दुश्मनी क्या थी दुश्मनी फिर वजह बर्बाद कर रहा था क्यों क्या वजह से बर्बाद करने का था क्या वजह से बर्बाद करने का था क्या दुश्मनी किस लिए बर्बाद करने का था जल्द झगड़े हुए थे तुम्हारे उनके एक बार हुआ था कब हुआ था झगड़ा दो साल हो गए अरे सही बोल रहा सही बोल रहा और कौन कौन मिला ले उसकी औरत भी है क्या नहीं दोनों की औरत बच्चे को मिला ले क्या नहीं तो ये बच्ची कुछ क्यों करे उन्होंने तुझे क्यों भेजे बच्ची कुछ मारो बोल के क्यों भेजे वजह जल्दी क्यों बच्ची कुछ ले रही थी और इसके घर में दूसरे बहन भाइयों पे भी करे कितने बच्चे एक ही से अच्छा देख लेता सामा बच्ची झूठ बोल रहा किसके भी नाम आ लेता उसका मामू क्यों करेगा उसमें कमी ने झूठे बात करता क्यों करेगा उन्हें पता तो बता मुझे किस बात की झगड़ो उसको और तेज से अकबर कहाँ रहता कहाँ रहता कहाँ रहता अकबर कहाँ रहता
क्या पूछा मैं? जल्दी कौन से मोहल्ले में रहता हूँ, कौन सी एरिया में रहता हूँ, कहाँ रहता? क्या कितनी उम्र है उसकी? तीस। रिश्ते में कौन होता है वो बच्ची का? देवायू। काला है गोरा है? गोरा। लंबा है गिट्टा है? लंबा। शादी हुई नहीं हुई उसकी? नहीं। काम क्या करता उन्हें? हाँ सही बता मुझे नाम किसने करा दिया तो सही बोला ना भाई। क्या वजह बोला ना भाई? वजह तो बोला थे तूने मेरे को, वजह हाथ के हाथ की वजह दूं करने की वजह, हाथ बोल जल्दी। हाँ उसने चाय से मेरा हाँ करने का क्या वजह? क्या वजह थी? नहीं मेरा करने का हाँ वजह से क्या करना तेरे को? पाटल में डाल के जमीन में गाड़ दूं क्या? तो दूसरों की आजादी छीन रहा, तेरी आजादी छीन लूं तो क्या कर दूं? पाटल में डाल के जमीन में हां तेरे को पाटल में डाल के बाहर टांग देता हूं। तू आने जाने वालों क्या बोलते देखते हुए इतना पाटल के अंदर रजिस्टर लेके लिखते पढ़ना कितने लोग आ रहे कितने जा रहे, ऐसा कर दूं? बोल अभी और हरम मास पूनम में जादू टोना चल रहा बच्ची पे क्या? चला के छोड़ दिए और उसके जो भी बनाए पुतले गुड़िया बाला वाला जो भी है वो तंत्र मंत्र करके कहाँ गाड़े? वो कहाँ गाड़े? शमशान में गाड़े, कब्रिस्तान में गाड़े? नहीं किया मैंने। फिर क्या किया था? मैं सब नहीं किया। बाप का राज चल रहा है, फिर चले जा मीने काटू तेरे को ना था चाल बाजा करने को देख रहा मेरे सामने चाल बाजा करता उसको से। फिर कैसा चला जा तू? फिर कैसा चला? जल्दी टाइम नहीं मेरे पास, अभी मार दूंगा पूरा। कैसा शमशान में क्या कर रहे थे? फिर शमशान में क्या हो रहा था? क्रिया नहीं हो रहा था। शमशान से क्या करे? क्या नहीं करे? ऐसा जकड़ लो उसको, काट देंगे उसके हाथ। सही बता, सही बोल रहा हूँ, सही बता, सही। कैमरा जकड़ो उसको तेज से, हम बहुत सही बता, सही। जलाओ अंदर से आग लगा दो उसके हाथों, बहुत अंदर बैठ के ताकत लगा रहा हूँ, खत्म करो उसके हाथों की ताकत। बोल सही सही बोल, एक बात तेरी झूठ बर्दाश्त नहीं होने वाली मेरे पास। अमीन है चाल बात करेगा, बाप का राज चल रहा तेरे, जला के राख करने का पूरा जकड़ो उसको तेजी से और तेज से। बच्ची को मार के तू कहाँ ले जाने वाला था? तू आया कहाँ से था? तू शमशान से कब्रिस्तान से? घर था। कहाँ था तेरा घर? जो बच्ची रह रही थी ना। हाँ और जादू कहाँ से चला? जादू कहाँ से चला? जादू कहाँ से चला? शमशान से कब्रिस्तान से? बच्ची के पापा के घर से। कहाँ से? किसके घर से? बच्ची के पापा के घर से। उन्हें कहीं को करेंगा? उन्हें क्या करेगा? उन्हें जो बच्ची को पाल पोस के बड़ा करा उन्हें जादू करता? नहीं। सही बोल। दुश्मनी बता। वजह बता। हाँ बोल। हाँ हाँ बोल। जल्दी कौन करा जादू? कौन
करा? नहीं करा। शमशान से कब्रिस्तान से जादू करा? कहाँ से? शमशान की थी या कब्रिस्तान की? कहाँ की? तेजी से चलाओ, नष्ट करेंगे उसकी पूरी शक्तियों को। हाँ बोल, सही सही जवाब दे मेरे, तो छोड़ूंगा। बोल सही सही। हाँ बोल, कहाँ से लाए थे? कब्रिस्तान से, शमशान से? कहाँ से? अच्छा कौन लाया था वो? दुश्मनी? चलो ठीक है, इसको बन के डाल दो, इसको जंजीर डाल दो। आज रात 12 बजे के बाद से इसको तेजी से कस के जंजीर डाल के इतना मारो, उसको मार मार के सारी शक्ति खत्म करो। चिंदा बना के बाद नजर जकर तक मेरे सामने लाओ, फिर उसको मैं अच्छे से पूछूंगा क्या दास्तान थी। और गुस्सा मारो अंदर बैठ के मनमाना कर रहा, उसको मार मार के बताओ उसकी यहाँ की कैसी ताकत है अल्लाह का, बताओ उसे। तो तारे के अंदर की सारी खिलाए वाली दवा वो सब उल्टिया जुलाबा लगा के बाहर निकाल के फिर तेजी के साथ में। दो साल पहले कौन खिलाया था इसको और किस चीज में खिलाए थे वो? नहीं बोल, सही बोल। 6 महीने पहले बिरकाई में खिलाए थे? पानी में, पानी में पिलाए थे? कहीं में? पानी में, पानी। जोर से बोल, पानी। पानी में पिलाए थे? कहीं का पानी था? शरबत थी क्या, थी दूध क्या, बोल के पिलाए? पानी था, सादा पानी था। किसके घर में पिलाए थे पानी? बच्ची के, खुद के घर में आके। चलो ठीक है, इसको बन के डाल दो, इसको जंजीर डालो, तेज साथ में जकड़ के रखो और इसको मार मार के और जितने भी वारा और शक्ति जो भी इसको कब्रिस्तान से शमशानों से कहां से मिल रहे होंगे सबको जकड़ो, सबको जला के रखो। चल भाग भाग, चल निकल ऐसे कमीने, जल्दी थोड़ा पूरी का मार, जा रास्ता बंद ना निकल, तुम्हारी निगरानी में जाए। हटो पीछे से, जा हट जाओ ना, बहुत आदत हो गई क्या हाथा लगाने की। हटो पीछे से, जा रे। जल्दी जा जा जा, दिखना नहीं मिली दोबारा, बाकी जो जो भी जादू टोने की चीजें चल रही है उन सबको निकाल के जला कर राख करता हूँ। तो बहुत खींच खींच के बुला रहे थे इसके अंदर, तो दिखना नहीं मुझे, निकल जल्दी, छोड़ दो। क्या नाम इसका? जाओ उसको पकड़ के नाव लाया, निकालो तो जो कुछ चीज है इसके अंदर, खींच खींच के उसको वापस बुला रहे हो, सबको जलाने की तैयारी करो उतार एक साथ में। अरे अशफिया, अरे अशफिया, क्या होगा पानी पियो, ज्यादा मुंह का मत फुलाना, लो पानी पियो। कहां से आए? कहाँ से आए थे? कौन से गाँव से आए? बम्बई से आए? हाँ ऊपर देखो, इधर मेरी तरफ देख के बात करो। हैदराबाद से आए। अच्छा ये कौन इधर बैठे वाले? पीछे बैठे वाले? इधर बैठे वाले? इधर से जो भी है क्या है दास्तान सामने ला रही है, तो कितने साल से परेशान कर रहा? 6 महीने 6 महीने से 2 साल 2 साल का। वो घर का लगा हुआ दीननाथ लगा हुआ शैतान वो लग रहा था, ये जादू टोने वाले ये लग रहे थे, तंत्र मंत्र क्रिया लग रही थी, बहुत अलग अलग खेला है उसके अंदर सब।
जादू मिसाल एक झाड़ है समझो, बोल दिए तुम्हारा झाड़, झाड़ को कितने टहनिया कितने पत्ते रहते फुटियाले, उस हिसाब से उसमें सब अलग अलग पार्ट है, उसके अंदर सब अलग अलग तंत्र मंत्र जादू टोने वानावती करमती करमती ना गोरी अगोरी काला जादू यमनी ये वो बहुत है उसके अंदर, और जितने भी है उन सब पे काबिज अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम के सामने ये सब चीज़ा जेर है जेर। तुम्हारे दिमाग के अंदर एक बात ठूस ठूस के बिठा दिए वाली है कि काला जादू काले जादू से कटता, ये तो बात शिर्क है, काला जादू काले जादू से कटता। दरगाह पे जाना शिर्क नहीं है, अल्लाह वालों के पास जाना शिर्क नहीं है, काले जादूगर के पास जाना शिर्क है, और जादू जादू से कटता बोलना ये लफ्ज़ शिर्क में शामिल होता, क्योंकि जादू जादू से कैसा कटेगा, जादू जो है तुमको ज़हमत देने वाली चीज़ है, और रहमत तुम पे बरसेंगी तो तुम्हारे जहमत हटके तुम पे रहमत की जाइश महंगे तुम, और तुमको फैज मिलेगा, तो रहमत देने वाली जात अल्लाह की। जादूगर मर भी गया खबर में भी चलेगा, उन्होंने उसके शैतान को बुला के लाके सामने इबलीस को भी बिठा दिया, उन्होंने अजाजील भी अगर सामने आ गया तो भी अजाजील भी तुम्हारे जख्म पे मरहम नहीं लगा सकता, क्योंकि उसको मरहम लगाने के और मरहम लगाने के बाद में जो जख्म भरेगा जो तुम्हें जख्म से राहत मिलेंगी, वो राहत उसके पास नहीं, वो राहत अल्लाह के पास में, अल्लाह की फैज बरस यहाँ पर बरसेंगे, अल्लाह की जहाँ पे रहमत बरसेंगी तो वहां फैज मिलेगा तुम्हारे को, रहमत बरसेंगी तो शैतान के पास कहां से रहमत बरसेंगी, काले जादू से कहां से कटेगा, फल के अंधो समझो, पढ़ लिख के अगर तुम ऐसे बातों को मानेंगे तो तुम जाहिल करार देंगे जाहिल, और तुम समझ के पढ़ेंगे तो तुम फिर आमिल करार देंगे अमल करने वाले आम, तो इसलिए आलिम बन जाएंगे तुम अगर समझ के अमल करेंगे तो आलिम, और अगर ना समझ पढ़े लिख के भी बोलेंगे कि हमको नहीं समझ आ रहा हम मानते नहीं, तो फिर तुम गवार जाहिल जाहिल गवार में जाहिल इस्लाम जाल। इसलिए इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, और एक बात ये जहन से निकालो कि जादू जादू से नहीं कटता, एक बार भी नहीं कटता, कैसा कटेगा, जहां पर तुम्हारा जख्म होगा जख्म होने के बाद तुम मरहम लगाने के बाद जख्म कब भरेगा, जहाँ रहमत बरसेंगी तो जख्म भरेगा ना, रहमत बरसाने वाली जात कौन है, फैज देने वाली जात किसकी, अल्लाह की है, और जहमत लोगों को शताना परेशान करना शैतान, उसके पास वो पावर ही नहीं ना उसके पास राइट करने का, अल्लाह खुद जमीन पे आकर राइट नहीं करता, अल्लाह अपने चुनिंदा बंदों से काम लेता, कुरान के अंदर सब फरमा दिया अल्लाह ने कि अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हकीकतन मालूम है कि अल्लाह की इबादत करते हो अल्लाह का वली, हकीकतन मालूम है कि अल्लाह से डरता हो अल्लाह का वली, अल्लाह ने पहले से फरमा दिया सब बातें, फिर अल्लाह फरमाता कुरान के अंदर मेरे वलियों से बोझ अगर रखोगे और उनसे तुम अगर क्या बोलते, तुम तो डायरेक्ट शिरकत फतवा दे रहे हो उनके दरगाहों पर जाना, शिरक 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 शिर्क जादूगर के पास जाना है, शिर्क चर्च में जाना है, शिर्क देखो जरा लोग कहाँ जा रहे जादू टोना हटाने को, उनको जरा वो समझाओ, उनको अक्ल दिलाओ कि जादू कहाँ कटता कैसा कटता, इबादत करो बैठो, तुम्हारे जबान में तासीर नहीं पैदा हो रहा तो तुम अल्लाह वाले के पास में जाओ जिनके जबानों में अल्लाह ने तासीर का ख्याल है, ये सब बातें डायरेक्ट झंडे और फतवे लेके मत नाचो, ऐसा मत वो करो कि तुम्हारे एक फतवे की वजह से लोग बोल अल्फाज भी नहीं मिल रहे कहाँ कहाँ जा रहे लोग, कौन कौन से जगहों पे जा रहे, कौन कौन से वीडियो में देख लो तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे मुर्दे खाने वाले शैतानों के पास में, क्या क्या जादुआ करने वाले पास में, तो बोलने को भी अल्फाज नहीं मिल रहे, क्या अल्फाज बयान करूँ, इसलिए बेहतर है बेहतर है बेहतर है दिमाग में एक बार बिठा के रखना, सब चीज पे काबिज है अल्लाह का कलाम, अल्लाह के कलाम सामने सब चीज बेबस है, मगर पढ़ने वाली जबान भी होना ना तुम्हारे पास में, तुम पढ़ेंगे गाने नाच गाने गालियां चुगलियां गीबतां ये सब चीजों से जब तुम बाज आ जाएंगे तो तुम्हारे अंदर रूहानी पावर पता होगा, रूहानियत जब तुम्हारी पावरफुल होगी तो सब चीजों से महफूज रहेंगे, मगर इबादत की रस्सी को पहले से ही मजबूती से थामना, तुम अगर इबादत की रस्सी को पहले नहीं थामेंगे तुम मारा वारा पढ़ने के बाद तुम जाएंगे तो फिर क्या होता, शैतान और भलाएं सारे वीडियो में देख लो बोलते कि हम इबादत के करीब नहीं जान देते थे, हम नमाज पढ़ने नहीं देते, हम कुरान पढ़ने नहीं देते, इसको घबराहट ला लेते थे कुरान पढ़ते टाइम पे, इसको बेचैन करके भगा देते थे वापिस, ये सब शैतानी करते थे, इसलिए तुम पहले से अगर इबादत की रस्सी को पकड़ के रहेंगे तो तुमको उमो तुम्हारे करीब नहीं आ सकेंगे, तुम्हारी इबादत का नूर तुमको करीब नहीं आने देगा, अल्लाह तुम्हारी डायरेक्ट हिफाजत करेगा, हथेली में राई का दाना रख के तुम कैसा देखते राई का दाना, तो वैसा अल्लाह तुम्हारा देखता है इबादत करने वाले को सातवें आसमान से, तुम्हारी हिफाजत की जब अल्लाह ठान लेता तो फिर कौन तुम्हारे को जहमत दे सकेगा, तुम सुबह में इतने इनामात रखा अल्लाह ने, इतने कुरान के अंदर इतना फैज और इतने इनामात है तुम्हारे वास्ते कि जिसके हद नहीं है, तुम सूरह यासीन अगर बाद नमाज फजर के पढ़ेंगे सूरज निकलने के वक्त सूरज डूबे तक अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करता, हर बला से हर आफत से हर जादू टोने से दुनियाई आफत आखिरत के हर 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 वो आफत से एक्स वाई जेड, और तुम अगर शाम में सूरज डूबने के बाद पढ़ेंगे तो सूरज निकले तक अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी लिया, जब अल्लाह हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली, लेने के बाद में जब अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली और तुम
और पूरी दुनिया मिलकर भी सहमत देने की कोशिश करी तो कसम खुदा कि तुम्हारा बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता अगर अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी लिया तो। और अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं लिया और पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हारी हिफाजत कर रही तो कसम खुदा की तुम्हारी हिफाजत कोई भी नहीं कर सकता फिर दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया भी एक भी हो गई तुम्हारी हिफाजत करने तो भी तुम्हारे मामूली चीज सहमत पहुंचा के चली जाती। और इसलिए जहां अल्लाह हिफाजत करा वहां कोई सहमत नहीं दे सकता और जहां अल्लाह हिफाजत नहीं करा वहां पूरी दुनिया मिलकर तुम्हारे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर है कि इबादत मजबूत इस्लाम हो, अल्लाह रसूल हदीस कुरान ये सब पढ़ो, घर में दीन का माहौल बनाओ, सुबह शाम गाने नाच गाने पिछड़ा बहुत देख रहे। इस जमाना ऐसा होगा कि एक जमाना था मेकू बस आज से क्या बोलते तो 10-12 साल पहले की बात होंगी, बचपन में किसी ने कह दिया था कि बोले कबूतर नहीं पालना, कबूतर पालने से ये हो जाता ना नमसती आती, तो मेरे को उसका फतवा निकालने को कबूतर का 8 दिन पूरे किताबों की खाक छानना पड़ा। 8 दिन के बाद में मेरे को हदीस मिली उसके अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी आते आगे फरमाते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जब भी मेरे घर में दाखिल होता हूं तो मानिंद मुझे मेरा घर काटने को दौड़ता है। तो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घर में कबूतर पाला करो, कबूतर तुम पालेंगे तो जिक्र करते अल्लाह का तुम्हारे घर से भनान पनी को भी दूर कर देंगे और तुम्हारे बच्चों पर जिन्नात का असर नहीं होने देंगे क्योंकि अल्लाह का जिक्र करते। 8 दिन लगे थे मुझे निकालने को, 8 दिन किताबों की खाक छाना हूँ, उसके बाद में मिली थी हदीस। माने बड़े बड़े उस दौर में उलमाओं को भी जाके पूछा तो जिसको जितना इल्म होता था बोलते रहो हाँ बोलते ऐसा तो हमारे पढ़ने में नहीं आया, हमने भी देखे नहीं, ऐसा तो नहीं है हदीस में जैसा कबूतर से नहूं सत्याती दली थी ऐसा, मगर एग्जैक्ट बता रहे नहीं थे कि हाँ हदीस में ये मैंने निकाला। ढूंढ के क्या निकाला था मैंने कि हाँ पाल सकते उल्टा बलाएं दरिंदरी सब दूर होती तुम्हारे घर, लेकिन 8 दिन लगे थे फतवा ढूंढने के। तो इस ये दौर ऐसा हो गया, ये दौर 1 मिनट में मिलती तुम्हारे कोई भी चीज जो हदीस पढ़ना है 1 मिनट में हाजिर, मोबाइल में बोलो सामने हाजिर, तुमको जो भी होना किताब जो भी हदीस कुरान कौन सा रुकू कौन सा आयात जो भी होना 1 मिनट में तुम्हारे सामने हाजिर मोबाइल में। तो ये मोबाइल का ये फायदा उठाओ, बच्चों को जिनको भी दे रहे हो उनको समझाओ कि इस पर हदीस पढ़ो कुरान पढ़ो नमाज का तरीका सीखो सीखो और सिखाओ, इल्म बांटने से पड़ता छुपाने से घटता। तो ये सब बातों पे मन करो और तुम्हारे पास मोबाइल एक ऐसी चीज आई वाली है कि मोबाइल को बुरा भी नहीं बोल सकते और अच्छा भी नहीं बोल सकते, मोबाइल है तुम्हारी सोच, जो तुम उसमें सोचोगे वो तुम्हारे दिखेगा। अभी तुम मदीना सोचो उसमें मदीना दिखेगा, अभी तुम उसमें तुम्हारे गली का मोहल्ले का परवानी का एड्रेस सोचो परवानी दिखेगा, जो तुम बोलेंगे वो जो तुम्हारी सोच बन गई, अच्छा सोचेंगे अच्छा दिखेगा बुरा सोचेंगे बुरा दिखेगा। इसलिए अच्छी सोच बनाओ, अच्छा देखो, अच्छे अमल करो, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, कहने सुनने से अल्लाह सबको कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। घर पे अमल करने का था, तीन बार अमल करना पड़ता, पहले अमल में ज्यादा ज्यादा फर्क हो जाता, चलो और दूसरे कौन आ रहे हैं चलो अपने दुकान में मिल जाते हो अब ला ले तो घर बोलता हूं हमारे पापा ना 6.5 महीने के बाद।